हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रजा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल रजा रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज का वीडियो आपको मैं बताने वाला हूँ कि पैनासोनिक एसी इन्वर्टर एसी का रिमोट डेमो हिंदी में और उसमें जो नए नए फंक्शन जुड़ रहे हैं उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और दूसरी बात मैं बताऊं, अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे प्लीज़ लाइक कर दें। और अगर आपको फ्रिज एसी वॉशिंग मशीन में कुछ प्रॉब्लम है या उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है या फंसे हुए हैं आप और कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर इंस्टा में मुझे आप सर्च करना चाहते हैं तो रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है, तो आप मुझे फॉलो करके उसमें मैसेज करिए, मैं आपको पूरा रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं पैनासोनिक रिमोट के बारे में। सो गाइस, हम एसी के रिमोट के पास आ गए हैं। ये पैनासोनिक इन्वर्टर एसी का नैनो जी मॉडल का रिमोट है और चलिए अब हम आपको बताते हैं इसके पूरे बटन और फंक्शन के बारे में। सो गाइस, ये ऑन ऑफ स्विच है, इससे आप एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, ये टेम्परेचर की बटन है, इससे आप टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं। जितना आप कम करेंगे उतनी ज़्यादा कूलिंग आपको मिलेगी और जितना आप बढ़ाते हैं उतनी आपको कूलिंग थोड़ी सी कम मिलती जाएगी। 30 इसमें हाईएस्ट कूलिंग है। और उसके बाद अगर आपको बॉडी के हिसाब से टेम्परेचर चाहिए और रूम में कूलिंग चाहिए आपको बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से अगर ठीक रहा और ज़्यादा आपको एकदम ज़्यादा ठंड वाली कूलिंग नहीं चाहिए तो आप इसको 28 में सेट कर सकते हैं। और अगर आपको 28 में भी कूलिंग कम लग रही है तो 26 भी आप इसको कर सकते हैं। धीरे धीरे आप एक एक स्टेप कम करना है आपको। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि 26 से 30 के बीच में अगर आप चलाते हैं तो आपकी पावर कंजम्पशन बहुत कम हो जाती है, बिल्कुल आधी हो जाती है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, ये ऑटो लिखा हुआ है, ये मोड का बटन है, ये ऑटो मोड में भी चल रहा है। ये इसको फिर से प्रेस करूँगा तो ये कूल मोड आ जाएगा। इसमें आपको सारी बटन काम करेगी और कूल मोड में ही काम करेगा। उसके बाद हम चलते हैं ड्राई, मोड का तीसरा ऑप्शन है ड्राई। ड्राई में आप बरसात के मौसम में जैसे चिपचिपी चिपचिपापन जैसे गर्मी रहती है और थोड़ा मतलब पसीने आते हैं तो उस मौसम में ये चलाने के लिए ड्राई फंक्शन। उसके बाद हम एक बार प्रेस करेंगे तो ये फ़ैन मोड आता है। क्या होता है गाइस, हमारे रूम में फ़ैन नहीं रह पाता किसी रूम में और हमको फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है तो आप एसी का यूज़ कर सकते हैं फ़ैन मोड में चला के। इसमें कूलिंग नहीं करेगा, सिर्फ फ़ैन का काम करेगा एसी। उसके बाद हम फिर से प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑटोमेटिक में क्या होगा गाइस, ये मशीन जो है ऑटोमेटिक सिस्टम में चले जाएगी, ऑटोमेटिक अपने हिसाब से कूलिंग करेगी। फिर हम आते हैं कूल पे, आपको रखना यही है गर्मी के सीज़न में कि ये कूल पे ही चले। उसके बाद हम चलते हैं नैनो जी प्यूरीफायर, ये वाली जो बटन है, ये इसमें नया फंक्शन जुड़ा हुआ है अभी एसी में। इसको प्रेस करने पे होगा गाइस ये कि आपके जो रूम में जो बैक्टीरिया वगैरह रहेंगे, जो छोटे छोटे कीटाणु रहेंगे, तो उसको ये ख़त्म करेगा गाइस। इसको ऑन करने पे आपके एसी में ब्लू कलर की लाइट जल जाएगी और उसके बाद ये वर्क करना चालू कर देगा। आपके रूम में जितने बैक्टीरिया वायरल जो भी हैं वो सब इसको वो ख़त्म करेगा। उसके बाद हम चलते हैं स्लिप, स्लिप दबाने पे गाइस रिमोट में स्लिप का स्लिप लिख के भी आ जाता है। उसमें क्या होता है गाइस, मशीन जो है हमारी साइलेंट हो जाती है। रात में अगर आपको एसी के साउंड से प्रॉब्लम है तो आप स्लिप में चला सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं गाइस पावरफुल क्विट। इसमें क्या होता है गाइस, अगर आप बाहर से आ रहे हैं और आपको जल्दी कूलिंग चाहिए और रूम बहुत हीट है तो आप इसको पावरफुल क्विट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्विट का ऑप्शन आ जाता है रिमोट पे और इसमें जो है बहुत ही फास्ट कूलिंग करता है एसी, बहुत ही जल्दी आपको रूम में कूलिंग का एहसास हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं कि फैन स्पीड में क्या होता है गाइस, इंडोर यूनिट से जो हवा आती है उसके डायरेक्शन में काम करेगा। अभी देखिए ये ऑटो लिखा हुआ है, ये ऑटो मोड में चल रहा है अभी, ये इसको आप प्रेस करेंगे, ये हमारा जो है फ़ैन अभी लो है, ये नीचे आप देखेंगे, एक बार और प्रेस करेंगे मीडियम, फिर हम प्रेस करेंगे हाई, एक बार और प्रेस करेंगे ये ऑटो, ये ऑटो मोड में है, ये अपने हिसाब से कभी लो कभी हाई आपको स्पीड मिलेगी। और आप मैन्युअली अगर सेट करना चाहते हैं हाई मीडियम लो तो इंडोर की स्पीड आपको मिलेगी। उसके बाद हम चलते हैं एयर स्विंग अभी आप देख रहे हैं ये ऑटो में चल रहा है, ये ऑटो में चल रहा है एयर फ्लैप जो अप डाउन जो होता है फ्लैप,
और हम इसको प्रेस करते जाएंगे तो इसमें इसमें दिखाते जाएगा आपको कैसा आपको फ्लैप रखना है, किस डायरेक्शन में आपको रखना है। उसके बाद ऑटो, ऑटो में क्या है अपने हिसाब से वो करेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको पहले अगर टाइमर आपको यूज़ करना है तो पहले आपको टाइम सेट करना पड़ेगा। टाइम सेट करने के लिए आपको क्लॉक प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद हम अगर आपको पहले क्लॉक यूज़ करना पड़ेगा टाइमर के लिए, उसके बाद आप पहले आपको ये क्लॉक की बटन प्रेस करनी पड़ेगी। उसके बाद ये देखिए अप एंड डाउन जो दिख रहा है ना, इससे आपको पहले टाइम सेट करना पड़ेगा। मान लीजिए अभी 12 बज रहे हैं तो हमको 12 तक इसको ला के सेट कर देना है। तो ये हमारा जो क्लॉक है ये सेट हो जाएगा। उसके बाद टाइमर सेट होगा। टाइमर सेट करने के लिए आपको टाइमर ऑन करना पड़ेगा और यही अप डाउन बहुत ही सिंपल है गाइस, बहुत ही ईजी है। इसको आपको अप डाउन करना पड़ेगा और अगर आपको टाइमर सेट करना है तो सेट, ये हमारा ऑन हो गया टाइमर। और हमको अगर ऑफ़ करना है तो ऑफ़ और कैंसिल, इसके बाद हमारा जो है टाइमर जो है ऑफ़ हो जाएगा। सो गाइस उम्मीद है आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रहे वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और प्लीज़ मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दें।